हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि जो कंपनियां हैं, मोबाइल कंपनियां, ये हमें मेगापिक्सल को लेकर के बेवकूफ़ बनाती हैं। आजकल आपने नोटिस किया होगा कि जैसे मोबाइल आते जा रहे हैं, उनमें जो मेगापिक्सल होता है कैमरा का, वो बढ़ता जा रहा है। पहले एक टाइम हुआ करता था जबकि 5 मेगापिक्सल, इवन 5 से भी कम आते थे। 5 मेगापिक्सल, फिर 8 हुआ, 12 हुआ, फिर ऐसे बढ़ता चला गया। और अभी तो ये भाई 100 भी इसने क्रॉस कर दिया, 110 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल। आपके मोबाइल में भी 64 मेगापिक्सल या फिर 48 मेगापिक्सल का कैमरा होगा, है ना गाइस? तो क्या ये जो 64 या फिर 48 मेगापिक्सल है, क्या इसका सच में यूज है? वो 64 48 को हटा दो, आपके मोबाइल के पीछे आपने देखा होगा कि 3 4 कैमरे लगे हुए हैं। बट वो 3 4 कैमरे जो लगे हुए हैं, क्या उनका सच में इस्तेमाल है या फिर ऐसे ही दे रखे हैं? जैसे कि बेसिकली मैं बात कर लेता हूँ कि मोस्टली मोबाइल में 4 कैमरे आजकल आते हैं। पहला होता है मेन कैमरा, ठीक है, उसके बाद आता है डेप्थ सेंसर कैमरा, जो कि बैकग्राउंड ब्लर करने के लिए होता है। जब आप पोर्ट्रेट मोड में फोटो खींचते हो, जब आपका बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है ना, वो डेप्थ कैमरे के चक्कर में होता है। और ये दो ही कैमरे ऐसे हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में किए जाते हैं, जबकि दूसरा भी बहुत कम करा जाता है। सबसे ज़्यादा पहला वाला कैमरा इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मेन कैमरा होता है। और उसके बाद तीसरा जो कैमरा आता होता है, माइक्रो कैमरा। अब माइक्रो जो होता है वो बहुत पास के लिए होता है। जैसे कि मान लो कि आपको चीटी वीटी होती है, चीटी हो गया या फूल हो गया, बिल्कुल पास से फोटो लेनी है, तब काम में आता है। तो आप क्या मैक्रो कैमरा का यूज़ करते हो? मेरे हिसाब से तो नहीं करते होंगे। 95% से ज़्यादा बंदे मैक्रो कैमरे का यूज नहीं करते। उसके बाद आता है वाइड एंगल कैमरा, जो कि थोड़ा वाइड कर देता है। जैसे ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो आपको जो इतना पोर्शन दिख रहा है, वाइड एंगल में क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा दिख जाएगा। तो जो बंदे व्लॉगिंग वगैरह करते हैं, उनके लिए वो ठीक है वाइड एंगल। बट जो नॉर्मल बंदे हैं, जो नॉर्मल फ़ोन को यूज़ करते हैं, वो वाइड एंगल का यूज नहीं करते। उनको तो पता भी नहीं होता कि उनके मोबाइल के जो कैमरे हैं, वो क्या क्या करने के लिए बने हैं और उनको कैसे यूज करते हैं। मैंने खुद ने नोटिस किया है कि मोस्टली बंदों को पता ही नहीं होता कि उनके मोबाइल में जो कैमरे दे रखे हैं, उनका यूज करना कैसे है और उनका यूज है भी या फिर नहीं। बट फिर भी वो लोग जब कैमरा बाय करने जाते हैं, सॉरी मोबाइल बाय करने जाते हैं, तो वो वही बोलते हैं, मेरे को 4 कैमरा वाला मोबाइल चाहिए, मेरे को 3 कैमरा वाला मोबाइल चाहिए। अरे भाई क्यों चाहिए, कोई यूज भी तो है। मैं आपको सही बताता हूँ, अगर आपके मोबाइल में एक कैमरा भी है ना, तो भी काफ़ी सही है, क्योंकि वही मेन कैमरा होता है, उसी से सारी फोटो खींची जाती है। जैसे कि आपके मोबाइल में जो मेन कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का है, बट उसके 64 मेगापिक्सल होने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब आप अपने मोबाइल में कैमरा का ऐप खोल के फोटो खींचते हो ना, तो वो सिर्फ 12 मेगापिक्सल से ही क्लिक होती है, 64 मेगापिक्सल से नहीं होती। अब आप बोलोगे भाई कैमरा तो 64 मेगापिक्सल का, तो 12 मेगापिक्सल क्यों क्लिक हो रही है? क्योंकि 64 मेगापिक्सल से क्लिक करने के लिए उसमें आप कैमरा ऐप में ओपन करोगे, तो उसमें एक अलग से ऑप्शन होता है जिसके जरिए आप 64 मेगापिक्सल से फोटो क्लिक कर पाओगे। ऐसे 148 जो भी आ रहे हैं, 48 मेगापिक्सल या फिर 108 मेगापिक्सल, उसके लिए अलग से ऑप्शन होता है। अगर आपको 64 या फिर इन सब जो मेगापिक्सल जितने आ रहे हैं उनसे फोटो खींचनी है, तो उनके लिए अलग से ऑप्शन दे रखा होता है, जो कि आप यूज नहीं करते। जो नॉर्मली आप कैमरा खोल के फोटो खींचते हो, वो 12 मेगापिक्सल से क्लिक होती है, चाहे आपके मोबाइल में 108 मेगापिक्सल हो, चाहे 64 हो, चाहे 48 हो, चाहे जितना मर्जी मेगापिक्सल हो। तो कैमरे के मामले में यार कंपनी बहुत बेवकूफ़ बनाती है, मेगापिक्सल बढ़ाती जाती है, क्योंकि मेगापिक्सल का कोई इतना खास यूज भी नहीं है। अगर आप आईफोन देखोगे, तो उसमें अभी भी 12 मेगापिक्सल के कैमरा आते हो, 12 मेगापिक्सल कैमरे इतनी तगड़ी फोटो खींच देते ना कि आपका एंड्रॉइड का 108 मेगापिक्सल उतनी तगड़ी फोटो नहीं क्लिक कर सकता। सब डिपेंड करता है यार सॉफ्टवेयर पे, ठीक है? तो मेगापिक्सल बढ़ाने से कुछ नहीं हो जाता, मेगापिक्सल से कंपनी बेवकूफ़ बना रही है। तो अगर आप भी फ़ोन बाय करने जाते हो, तो यार मेगापिक्सल पे ध्यान मत दो, और ये जो 3 4 कैमरे हैं ना, इन पे भी ध्यान मत दो। ये देखो कि तुम्हारा यूज क्या है। जैसे कि अगर तुम्हें नॉर्मली मोबाइल का यूज करना है, तो तुम्हारे मोबाइल में 2 कैमरे हैं ना, तो भी इनफ है, और उसमें भी तुम्हें 48 मेगापिक्सल लेने की जरूरत नहीं है। 12 मेगापिक्सल भी है तो भी चल जाएगा, लेकिन आजकल तो सब में 48 से कम तो मेरे हिसाब से किसी में आ भी नहीं रहा अब, ठीक है? तो बाकी जो मोबाइल में कैमरे लगे होते हैं ना, जैसे कि मैक्रो हो गया, वाइड एंगल हो गया, अगर आपका इसका यूज है ना, तभी आप इन कैमरे के साथ जाओ, बिकॉज आप अपने पैसे बचा सकते हो। अगर आप मैक्रो और वाइड एंगल के बिना वाला मोबाइल लोगे, तो आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाएगा, और आपको क्योंकि उसका यूज भी नहीं है। अब आप ही खुद सोच लो, आपके मोबाइल में जो वाइड एंगल या फिर मैक्रो लगा हुआ है, आपने कभी उसका यूज करा है? मैक्रो कैमरे से कभी आपने फोटो क्लिक करी है? इवन हमको पता है कि कैसे कैसे यूज करते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, बट 90% बंदों को नहीं पता होता कि कैसे यूज करना है। सो गाइस, ये था एक कैमरे की स्ट्रेटेजी, जिससे कंपनी आपको लूट लेती है, बर्बाद मतलब बेवकूफ़ बना देती है एक तरीके से, और आप इजीली बन भी जाते हो। तो अगली बार जब भी मोबाइल बाय करोगे, तो खुद से पूछना कि तुम्हें कितने कैमरे की ज़रूरत है। मैं वो हंसी गई इसलिए आई, क्योंकि ना मैंने एक बार क्या ना, मेरे मामा ने मोबाइल लिया था, एंड उनके मोबाइल के पीछे 4 कैमरे थे, तो मैंने उनसे ऐसे मजाक में पूछ लिया कि मामा जी आपको पता है कि ये 4 कैमरे क्यों लगे हुए हैं आपके फोन के पीछे? तो उनका पता है आंसर क्या था? उनका आंसर था कि एक कैमरा ख़राब हो जाएगा तो दूसरा कैमरा काम में आएगा। तो गाइस ऐसा नहीं होता, एक कैमरा खराब हो गया, अगर आपका मेन कैमरा खराब हो गया ना, तो 3 कैमरे जो लगे हुए एक्स्ट्रा किसी काम के नहीं है, ठीक है गाइस? सो गाइस ये था आज की वीडियो, गाइस इतना ही, बाकी हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। सो गाइस वीडियो कैसी लगी आपको, और कुछ इन्फॉर्मेटिव आपको जानने को मिला या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हो, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही मज़ेदार प्रोडक्ट, सॉरी आज के प्रोडक्ट है नहीं, ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस गाइस लाता रहूँ। सो गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।